हे गाइस, मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल पे, जहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, होम हैक्स की, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसको अप्लाई करके हम अपने डेली के रूटीन को बहुत ही इजी बना देते हैं। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो इस तरह का जो कैप होता है, जो ऑयल की बॉटल्स होती हैं या मिनरल वाटर की जो बॉटल्स आती हैं उनके साथ जो आता है कैप, कुछ इस तरह से मैंने उसको कट कर लिया है और हम इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास अक्सर जार्स वगैरह ख़त्म हो जाती हैं या तो पूरी नहीं होती हैं, तो हम जो भी राइस हो गए या तो दाल वगैरह होगी उनके पाउचेज में ही कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस तरह का कैप लगा के कुछ इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से आप इसको जब चाहें खोल के यूज़ कर सकते हैं और ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और एयर टाइट भी हो जाएंगे। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और फिर इसको बंद करके एयर टाइट करके रख सकते हैं, और इसके साथ एक हैंडल दिया होता है, इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी बहुत सारी स्पेस भी सेव हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक की बोटल्स होती हैं जो फिजी ड्रिंक्स वगैरह की, हम इसको मैंने नीचे लोअर पार्ट है उसका मैंने यूज़ किया है, वो मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ, इसका अपर पार्ट मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। इसको भी हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है ऑर्गेनाइजेशन का। क्लिप्स वगैरह जो प्लास्टिक की आती हैं मार्केट में, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह का ये काम देगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। और इसके साथ कैप है तो इसको जब चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, फिर हम इसको कैप लगा के रख भी सकते हैं। साफ़ करने के जो ब्रश आते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बस हम उनको कभी कभी यूज़ करते हैं, उसको रख देते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ ज़ीरो कॉस्ट के साथ बहुत ही अच्छा सा एक ब्रश बनाना, ब्रूम बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 4 प्लास्टिक की बोटल्स ली हैं, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा बोटल्स होंगी उतना अच्छा आपका ब्रूम बनेगा। और ये मीडियम साइज़ की बोटल हैं, आपके पास अगर लार्ज साइज़ की बोटल्स हैं तो आप उनको 3 भी ले सकते हैं। इनके लोअर पार्ट मैंने 4 बोटल्स के कट कर लिए हैं। प्लास्टिक की जो भी बोटल्स होती हैं ना, वो बहुत इजीली नाइफ के साथ भी कट हो जाती हैं, सीजर्स के साथ भी कट हो जाती हैं। अगर आपके पास बोटल ऐसी है जो हार्ड है, तो आप नाइफ गर्म करके भी उसको कट कर सकते हैं। और अब मैं इसको कट कर लूँगी हाफ बोटल तक, कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स की शेप में। अगर आपके पास बच्चे हैं जो सीजर चला सकते हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, वो बहुत शौक के साथ ये काम करेंगे। बच्चों को तो वैसे ही ऐसी एक्टिविटी करने में बड़ा मज़ा आता है। कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स में मैंने 4 बोटल्स को कट कर लिया है। मैं 3 बोटल्स को कट कर लूँगी, उसकी जो नेक का एरिया है जहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह का ये निशान लगा होता है, इतनी तक मैंने इनको कट कर लिया, 3 को, और 1 को मैं छोड़ दूँगी। तीनों बोटल्स का नेक एरिया मैंने कट कर लिया है और अब मैं इनको कर लूँगी फिक्स कुछ इस तरह से, जिसका मैंने नेक का एरिया कट नहीं किया है। तीनों ये बोटल्स एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाएंगी। और अब ये 4 बोटल्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इनको ग्लू गन के साथ स्टिक कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पे टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी वायर, और इनमें मैंने होल कर लिए हैं नाइफ़ को गर्म करके, फिर मैं इनमें वायर लगा दूँगी। बस नाइफ़ के साथ 2 मैंने होल कर लिए हैं, उसमें मैं एक वायर गुजार लूँगी। इस तरह से ये बहुत अच्छा एक ब्रूम बनेगा और एक परमानेंट बन जाएगा। तो बस जी, ये ब्रूम रेडी हो गया और अब हम इसमें लगा देंगे स्टिक। अगर आपके पास वाइपर कोई है जिसकी पुराना स्टिक पड़ी हुई है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पीवीसी का पाइप है, उसको मैं यूज़ करूँगी। बिल्कुल सही से ये सेट हो गया था और अब देखें कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा। आप इसके साथ अपने फैंस भी यूज़ कर सकते हैं, छत पर यूज़ कर सकते हैं, और जाले मकड़ी के जो भी छत होगी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी।
और ये मेरे गांव के घर की छत है, यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से गार्डर वगैरह लगे हुए, इनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और अभी इस छत पे कलर भी नहीं किया हुआ है तो जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं। पे जितने भी छोटे बड़े जाले थे मकड़ी के वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुके थे। मार्केट में जो ब्रश आते हैं छत साफ़ करने के वो बहुत आजकल महंगे हो चुके हैं। ये ज़ीरो कॉस्ट के साथ बहुत ही अच्छा एक ब्रश आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर मैं अपने गार्डन के जो ये पत्ते वगैरह गिरते हैं ना फूल छोटे से, ये भी साफ़ करके दिखा रही थी, बहुत अच्छी तरह से ये भी साफ़ हो रहे थे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी आपके साथ एक और न्यू वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।